Assalamu alaikum to all of my viewers. This is Junaid and you are watching my YouTube channel Jkssb Smart. So friends, अगर आप भी SPO की भर्ती देखना चाहते हो, इनमें apply करना चाहते हो, या अगर आपके भी जहन में confusion रह गया है इन posts को लेकर, ये जो VDC SPO के posts हैं, या इससे पहले जो special यानी कि SPO posts out हुए रामबन के लिए, वो क्या है? तो friends, सब कुछ आपका clear होने वाला है. बस video को skip मत करना, video को end to end जरूर देखना. और अगर channel पर नए हो तो channel को subscribe कर दे जाना और साथ साथ में bell icon पर press करना. उससे क्या होगा, मेरी हर एक latest video की update आपको मिलती रहेगी. तो फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से कुछ कमेंट्स मिले थे कि सर, ये जो पोस्ट आउट हो रहे हैं इनको लेकर हमारे जहन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, बस इसे क्लियर कर दीजिए. तो आज के वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले. ये जो पोस्ट है आखिर क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, मतलब कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, फी है नहीं है, क्या है, सब कुछ हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इस नोटिफिकेशन पर, जिसपे मैंने पहले ही वीडियो बनाया है. ठीक है, अच्छी तरह से वीडियो बना के रखा है मैंने कि जो रामबन के लिए पोस्ट आउट हुए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो जॉब अपडेट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप देख लेना. तो इसमें मैंने क्या बताया था, ये जो रामबन के लिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रामबन के, डिस्ट्रिक्ट रामबन के इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो कितने पोस्ट आउट हुए थे, 70 पोस्ट आउट हुए थे एसपीओ के पोस्ट. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक अनाउंसमेंट कर दी गई. अनाउंसमेंट क्या कर दी गई, उसमें ये कहा गया कि बिफोर 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त से पहले पहले जो है हमें 732 वीडीसी एसपीओ पोस्टर्स जो है फिल करने हैं, यानी कि विलेज बेस पर जो है एसपीओ के पोस्टर्स फिल करने हैं. कितने पोस्टर्स, 732, यहां पे आप देख सकते हो 732. इन 732 पोस्टर्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, डिस्ट्रिक्ट सांबन के, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के, डोडा के, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, रियासी के, रामबन के, सिर्फ और सिर्फ यही लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अनाउंसमेंट क्या कर दी गई थी कि बिफोर 15 अगस्त तक जो है 732 पोस्टर्स जो है फिल करने हैं. तो उनमें से जो है कठुआ के लिए 31 पोस्टर्स थे, सांबा के लिए 32 पोस्टर्स थे, उधमपुर के लिए 16 पोस्टर्स थे, डोडा के लिए 335 पोस्टर्स, किश्तवाड़ के लिए 180 पोस्टर्स, रियासी के लिए 94 पोस्टर्स एंड रामबन के लिए 44 पोस्टर्स. ठीक है, इसके बाद जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आई, किस को लेकर आई, यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छी तरह से देख लो, ये जो नोटिफिकेशन थी डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए नोटिफिकेशन थी, यानी कि वीडीसी एसपीओ. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए. तो यहाँ पे कितने पोस्टर्स मेंशन किए हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 32 पोस्टर्स. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 32 पोस्टर्स जो है आउट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए वीडीसी एसपीओ पोस्टर्स. अब ये जो है यहाँ पे डिटेल के साथ मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन विलेजेस के लिए. तो यहाँ पे आप खुद से चेक कर लो अच्छी तरह से कौन कौन से विलेजेस हैं ये. तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करते हो, तो आप सॉरी डिस्ट्रिक्ट सांबा से बिलोंग करते हो, तो आप जो है इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख लो. ठीक है, अब रहा सवाल इसकी क्वालिफिकेशन का, तो सबके लिए सेम है, मैं एक ही बार बताऊंगा फिर याद रख लेना, सबके लिए सेम है. तो अगर हम बात करें इनके क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आपको जो है 10th पास आप होने चाहिए, और इनके लिए आपका कोई भी रिटर्न नहीं होगा, पीएसटी एंड पीईटी के बेस पर आप जो है सिलेक्ट किए जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी एज जो होनी चाहिए 18 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, 18 इयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, और 28 इयर्स के आप होने चाहिए. ठीक है, 20 इयर्स के जो है 20 इयर्स से अब आपकी एज नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या मेंशन किया है, एज ऑन 1/1/2021 तक जो है आपकी एज जो है इस क्राइटेरिया के अंडर आनी चाहिए. यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, जो आपका सबसे पहले होगा, तो उसमें आपके क्या चेक की जाएगी, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह. मेल के लिए जो हाइट होगी, पता ही है सबको, मिनिमम होती है 5.6 इंच. यहाँ पे चेस्ट अनएक्सपेंडेड 32 इंच, यहाँ पे एक्सपेंडेड 33.5 इंच. यहाँ पे हाइट क्या होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 5.2 इंच, यानी कि इन पोस्ट के लिए जो है फीमेल, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा टेस्ट लिया जाएगा पीईटी, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें आपको 1600 मीटर की रेस करनी होगी 6.5 मिनट, 6 मिनट एंड 15 सेकंड इसमें. इसके बाद फीमेल को जो है 1000 मीटर की रेस करनी होगी 6 मिनट एंड 15 सेकंड में. यहाँ पे आपको याद रखना है जो इसकी क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक
मिनिमम मांगी गई है। अगर आपकी मैट्रिक है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 10 प्लस 2 है 12 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन से अबव आपकी डिग्री है तो यहाँ पे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये सब के लिए सेम है, एक ही बार बता रहा हूँ, सब के लिए सेम है। ठीक है, इसके बाद क्या जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिलअप करना है, वो आपको कहां से मिल जाएगा, बस इत्मीनान रखिए, वीडियो को एक भी जरा सा भी स्किप मत करना तो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझना है। रहा सवाल जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना, ये भी आपको कहां से मिलेगा मैं सब कुछ बताऊंगा, आराम से वीडियो को आराम से देखो। इसका जो आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, देखिए इसके साथ आपको जो डॉक्यूमेंट रखने हैं, एक तो आपकी DOB होनी चाहिए। ठीक है, DOB होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी जो है यहाँ पे PRC उन्होंने मेंशन की, ये नहीं है। ठीक है, आपको क्या क्या रखना है, एक तो आपकी DOB होनी चाहिए और आपका मार्क्स कार्ड जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी DOB, आपका आधार कार्ड एंड आपकी जो है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसके साथ अटैच करने हैं और 14 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है। कहाँ पे, ये जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया है अच्छी तरह से देख लो, DPL सांबा इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन शाह ब्लॉड सांबा, यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है, आपको वहां पे ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, 10 बजे से 5 बजे तक जो है ये ऑफिस खुले रहेंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, रहा सवाल किसका, डिस्ट्रिक्ट सांबा का, तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से देख लिया। इसके बाद जो नोटिफिकेशन आउट हुई डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए, अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए 16 पोस्टर्स मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे भी जो है 16 पोस्टर्स मेंशन किए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से 16 पोस्टर्स, तो इनके लिए भी जो क्राइटेरिया है बिल्कुल सेम ही है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हो तो आप इन 16 पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप अच्छी तरह से जो है विलेज के नेम देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है इसका भी इसकी जो प्रोसेस यही होगी, पहले आपका PET लिया जाएगा, उसके बाद आपका PST लिया जाएगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों को ऐसे पुशअप्स करने होंगे, शॉर्ट पुट करना होगा, जो आपको पता है अच्छी तरह से, जो मैंने अभी भी मेंशन किया। ठीक है, वही प्रोसेस इसकी भी रहने वाली है। रहा सवाल क्वालिफिकेशन का, तो वो भी सेम ही है, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, ग्रेजुएशन है उससे अब वो आपकी 15 मार्क्स, बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम ही। यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे भी आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म लेकर वो भी मैं आपको अपने ग्रुप में अच्छी तरह से सेंड करूंगा, बस आपको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना है, पहले आप सुनो। इसका भी जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करके उनको भी जो इसका जो क्या करना है, जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेना है, उसके साथ क्या क्या आपको अटैचमेंट रखना है, यही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने मेंशन किए वही डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैचमेंट रखने हैं, यानी कि आपकी DOB, आपका आधार कार्ड, आपके 4 फोटो, मार्क्स कार्ड एंड डोमोसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 14 तारीख से पहले पहले जो है इस एड्रेस पे जो है फिल करने हैं फॉर्म, आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है, ये जो आपके सामने एड्रेस शो हो रहा है अच्छी तरह से देख लो, इस पे आपको जो है फिल करना है। ठीक है, तो रहा सवाल इसके बाद, अब जो नई नोटिफिकेशन आई है वो है कठुआ के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ठीक है, देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए कितने पोस्टर्स हैं, 31 पोस्टर्स हैं, देख पा रहे हो ना, 31 पोस्टर्स हैं। तो यहाँ पे भी आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए जो है 31 पोस्टर्स फिल अप किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो किन विलेजेस के लिए, तो अच्छी तरह से देख लो। ठीक है, तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करते हो तो आप भी जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहने वाली है, बिल्कुल सेम रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ मेंशन किया है, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया एज ऑन 31/7/2021 तक जो आपकी एज इस क्राइटेरिया के अंडर आनी चाहिए। ठीक है, एंड नॉट बॉर्न बिफोर 31/7/1993 एंड नॉट आफ्टर 31/7/2003, तो इस क्राइटेरिया के अंडर आपकी एज आनी चाहिए तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस रहने वाली है सेम जो मैंने मेंशन किया, फिजिकल टेस्ट यानी कि PET PST, तो हाइट वगैरह वही रहने वाली है, आपको पुशअप्स करने पड़ेंगे शॉर्ट पुट फीमेल उसको। ठीक है, यही सब कुछ सेम रहने वाला है, क्वालिफिकेशन वगैरह यही, यानी कि 10th हो 10 मार्क्स, 12th हो 12 मार्क्स, इसी तरह से किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी रिटर्न नहीं लिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसका भी आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको मैं अभी बताऊंगा आपको क्या करना है, उसके साथ भी आपको यही अटैचमेंट रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डीओबी स्टाइल, यहाँ पे आपके फोटोग्राफ, और यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है अच्छी तरह से। तो इसका भी जो है 14 अगस्त तक आपको जो है फिल करना है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट यहाँ पे आउट हुए कठुआ, सांबा, उधमपुर और बाकी जो पेंडिंग है, ये भी बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि विद इन डेज, क्योंकि 15 अगस्त तक यहाँ पे लिखा है, 15 अगस्त तक जो है इन्हें सब कुछ मेंशन करना है, यानी कि ये जो प्रोसेस है कंप्लीट करनी है 15 अगस्त तक। इसका मतलब है विद इन डेज जो है इन ये जो यहाँ पे पेंडिंग है इनके लिए भी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी फिल की जाएगी। तो अगर आप इनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आप रेडी रहो। अब रहा सवाल फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहां पे आपको लास्ट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन नहीं करते हो, क्योंकि वहां पे मैं अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाऊंगा लेकिन वहां पे मैं मेंशन करता हूँ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ वहां पे मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप की, उसे ज्वाइन करके रखना, ठीक है। वहां पे आप अप टू डेट पीडीएफ वगैरह सब कुछ वहां पे मिलता है। तो वहां पे मैं शाम तक जो है आपको इन पोस्ट्स के जो फॉर्म है वो वहां पे आपको मैं सेंड कर दूंगा। आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के ये जो मैंने मेंशन किया उसके साथ अटैच रखना है और इन एड्रेस पे आपको फिल करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो तो आप जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आपका कंफ्यूजन जो है क्लियर हो गया होगा, ये जो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ साथ में बेल आइकन पर प्रेस करना, क्योंकि वो जरूरी होता है, उससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहती है जो भी मैं क्लास अपलोड करता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो मेरी चैनल है जेकेपी स्मार्ट, ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको कॉमन क्लासेस मिलते हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ साथ में प्ले लिस्ट भी चेक करना, वहां पे सब कुछ मेंशन किया हुआ, करंट अफेयर्स वगैरह हर एक पोर्शन के लिए अलग अलग से प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, रीजनिंग क्लास, मैथ क्लास, वहां से आप अच्छी तरह से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, मैं इसी तरह से आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।